बिहार में एक बार फिर सरकार बदलने जा रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी, जेडीयू और एनडीए के अन्य घटक दल मिलकर नई सरकार बनाएंगे। शाम 5 बजे नीतीश कुमार और उनके साथ 8 मंत्री शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पटना पहुंच रहे हैं। नड्डा अपने साथ चिराग पासवान को भी पटना ला रहे हैं। चिराग पासवान और नड्डा का एक साथ पटना आना इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच अनबन जग जाहिर है और ऐसे में संभव है कि दोनों नेताओं के बीच की कड़वाहट को दूर करने के लिए नड्डा चिराग को अपने साथ ला रहे हैं। वही शपथ ग्रहण समारोह के बाद शाम 6 बजे जेपी नड्डा मीडिया को संबोधित भी करेंगे। दरअसल नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी से कुछ सहयोगी दल खुश नजर नहीं आ रहे। बताया जा रहा है कि आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जेडीयू की वापसी से खुश नहीं है। इस संबंध में चिराग पासवान ने शनिवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर अपनी चिंता जाहिर की थी। अमित शाह के आवास पर यह बैठक करीब आधे घंटे तक चली थी। अब बैठक में चिराग ने बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की मांग की थी। उसी आधार पर सरकार चलनी चाहिए। उनके मुताबिक सरकार के एजेंडे में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एजेंडा भी शामिल होना चाहिए। चिराग की पार्टी लोकसभा चुनाव में अपने कोटे की सभी सीटें चाहती है। चिराग ने साफ कर दिया कि बीजेपी जिसे चाहे एनडीए में लाए लेकिन उनकी पार्टी की सीटों की संख्या में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि जो भी होगा बिहार के हित में होगा। नीतीश कुमार ने अब एनडीए में वापसी कर ली है। नीतीश करीब 11 बजे राजभवन पहुंचे और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। साथ ही सरकार को भंग करने का भी अनुरोध किया। ऐसे में बीजेपी को अभी अभी चिंता है कि कहीं चिराग पासवान बगावत न कर दे, इसलिए जेपी नड्डा खुद चिराग पासवान को लेकर पटना आ रहे हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच सुलह कराएंगे। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।